सोनीपत के गांव चिटाना में बुधवार को दो सगे भाइयों ने आत्महत्या की कोशिश की। सुसाइड अटेम्प्ट में एक भाई तो मौत के मुंह में समा गया, मगर दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई और आज दो सगे भाइयों की मौत को गले लगाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। परिजनों ने सोनीपत पुलिस को शिकायत दी कि उत्तम ने एक निजी बैंक से केंटर पर लोन लिया था, लेकिन उसे किस्त चुकाने में नाकाम साबित हो रहा था। बैंक कर्मचारी उस पर किस्त भरने का दबाव बना रहे थे, इसके चलते उसने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। उसके छोटे भाई तरुण ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जो अब सोनीपत के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। हम तो ऊपर बैठे थे, नीचे लेट रहा था, आराम कर रहा था। हम दो बजे के फिर मैं उसके पास भी गए थे, ठीक ठाक था जब तीर, लेकिन कुछ कॉल आने के बाद पता नहीं उसको क्या हो रहा था क्या नहीं। हम तो ऊपर से नीचे आए ना, मैंने आवाज़ दी थी, मैं कहा भाई एक बार ऊपर आइए, कुछ काम है। वह नीचे गए, देखा तो बदबू मार रही थी उसकी माँ ने, देखा कमरे में बदबू मार रही है, कबाड़ अंदर से बंद कर रहा था। और ये भाई सारा मेंटली दिमाग माइंड कर दिया लड़के का। ये जो गाड़ी ली थी ना, वो गाड़ी वाला फाइनेंस वाला ने करा। हाँ जी, एक किस्त थी उसकी, उसको लेकर उसको परेशान हरासमेंट, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और मैंने उनको समझा भी दिया था, पहले दिन आए थे वे बैंक वाले, हाँ बैंक वाले आए थे, मैंने फ़ोन पे कर समझा दिया था, लेकिन फिर भी पीछे पीछे आए मेरे। क्या कहते थे वो बालक को टॉर्चर करे? मैंने तो कह दिया उनको, भैया हो जाएंगे, दे देंगे तुम्हारे। क्या नाम बेटे का? उत्तम। फिर अब उसके खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट दे दी है? हाँ जी। कौन सा बैंक था कुछ पता हो? वो था के नाम था उसका, मैं ना नाम का मुन्ना नहीं मेरा, वो उसका नाम था ईट विकास। हाँ जी। क्या आपके बेटे का क्या नाम था? उत्तम। दूसरे बेटे का क्या नाम था? तरुण। कितनी उम्र थी तरुण की? तरुण की जी 13 साल का हो गया, 14 में लगा था। सोनीपत के मोहना थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है और परिजनों की शिकायत पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में जांच अधिकारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि छोटे भाई की हालत गंभीर है, वो होश में नहीं है, जबकि उनके परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। परिवार वालों के पिताजी ने दी है, ये उत्तम लड़का था, ये एक्सपायर हो गया, इसके छोटे बच्चे भाई तरुण ने हैंगिंग कर ली, इसे अताश हो गया कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया है, उसको पता चल गया था। इसके पिताजी ने कंप्लेंट दी है कि इन्होंने उत्तम ने एक कैंटर ले रखा था टाटा कंपनी से और वो बैंक से लोन करवा रखा है, उसकी किस्त वगैरह बोल रहे हैं इसके पिताजी के, किस्त रही हुई थी जो बैंक वाले बार बार फ़ोन कर रहे थे इसको, और इसके घर पर भी आए थे, इसके पिताजी से भी बैंक वालों ने बात की थी, इसके पिताजी ने भी कहा था, इसने भी कहा था मैं जमा करवा दूँगा उसको लेकर सुसाइड कर। हाँ, इस चीज़ से उसने हताश होके कि लोन नहीं भरा जा रहा मेरे से, और ये तथ्य सामने आए हैं। उसने इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, इस मामले की अभी पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजन को दे दी है, FIR इस संबंध में हमने लोड कर दी है वालों के खिलाफ, और आगे जैसे भी तथ्य आएंगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा वैसे करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब इंस्टीट्यूट टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।